और सबसे पहले इस वक्त की 25 बड़ी खबरें एक्सप्रेस 25 में। पटना में राबड़ी देवी के घर पहुंची सीबीआई। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में एक्शन। तेजस्वी यादव भी आवास पे मौजूद। 15 मार्च को लालू राबड़ी मीसा के पेशे। उमेश पाल हत्याकांड में एक और एनकाउंटर। प्रयागराज के कौंधियारा में शूटर उस्मान चौधरी ढेर। उस्मान नहीं उमेश को मारी थी पहली गोली। मुठभेड़ में एक सिपाही भी जख्मी। उस्मान चौधरी पर था 50,000 का इनाम। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आज फिर मनीष सिसोदिया के पेशी। राव जवन्नी कोर्ट में सीबीआई सिसोदिया को करेगी पेश। पीएम मोदी ने आज पोस्ट बजट वेबिनार को किया संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान पर हुई बात। नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो ने गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात। समर्थन के लिए जाहिर किया आभार। शपथ ग्रहण समारोह में किया आमंत्रित। आईएनएस विक्रांत पर नौसेना कमांडर्स के 2023 के सम्मेलन का पहला फेज आज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नौसेना कमांडर्स को करेंगे संबोधित। अमिताभ बच्चन को पसली में लगी चोट। हैदराबाद में शूटिंग के दौरान चोट लगने के बाद मुंबई वापस लौटे। दिल्ली नोएडा वालों को बड़ी राहत। आश्रम फ्लाईओवर का सीएम केजरीवाल ने किया उद्घाटन। अडानी मामले पर सरकार के खिलाफ आज कांग्रेस का हल्ला बोल। देश भर में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। आज ब्रिटिश संसद में भाषण देंगे राहुल गांधी। प्रवासी भारतीयों से होगी मुलाकात। दिल्ली में कांग्रेस और आपका पोस्टर वॉर। कांग्रेस ने दिल्ली में कई जगहों पर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ लगाए पोस्टर। दिल्ली के आईटीओ एनआईसीसी और डीपीसीसी कार्यालय के बाहर लगे हैं पोस्टर। यूपी के मेरठ में होलिका दहन से पहले बवाल। दो पक्षों में पथराव और फायरिंग। मौके पर कई थानों की पुलिस की तैनाती। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। 25,000 का इनामी बदमाश नाजिम गिरफ्तार। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर नीरज उर्फ कटिया को किया गिरफ्तार। यूपी के गोरखपुर में शादी की मिठाई खाने से 40 लोग बीमार। सभी सीएचसी पिपराइच में एडमिट। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान कभी भी हो सकते हैं गिरफ्तार। इमरान खान के खिलाफ तोशखाना मामले में गैर जमानती वारंट जारी। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान घर से गायब। गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस खाली हाथ वापस लौटी। लखनऊ के द ग्रैंड जेबीआर होटल में होली पार्टी के दौरान बवाल। शराब के नशे में धुत महिला ने की पुलिस के साथ बदसलूकी। इमरान खान को लगा एक और झटका। पाकिस्तान के मीडिया नियामक प्राधिकरण ने भाषण के प्रसारण पर लगाई रोक। गिरफ्तारी से पहले इमरान खान का शहबाज शरीफ पर हमला। कहा बदमाशों के हाथों में सरकार। कैसा होगा देश का भविष्य। चीन में शी जिनपिंग और ताकतवर राष्ट्रपति बनेंगे। कार्यकाल तीसरी बार बढ़ेगा। पीएम समेत कई मंत्रियों को भी हटा सकते हैं। रूस यूक्रेन जंग पर अमेरिका के पूर्व पीएम डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा एक दिन में जंग खत्म करवा दूंगा। मैं सत्ता में वापस लौटा तो तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा। वुमेन्स प्रीमियर लीग में यूपी ने रोमांचक मैच में गुजरात को 3 विकेटों से हराया। क्रिस हारिस ने खेली तूफानी पारी। 26 गेंदें बनाई 59 रन। वुमेन्स प्रीमियर लीग के दूसरे मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने आरसीबी को हराया। अमेरिका के तारा नोरिस ने लिए 5 विकेट।